गावा सर, आपको भी लगता है पेंट सेक्टर में गजब की रैली देखने को मिलेगी और ये क्वार्टर के नंबर्स पिछले क्वार्टर से भी बढ़िया आएंगे? विदाउट डाउट, बिकॉज आई थिंक जैसे सुमित अभी कह रहे थे कि वो जो कॉर्पोरेट टैक्स का सेविंग है, यू नो, एंड दैट इज कम्प्लीटली शोइंग अप इन द नंबर्स, क्योंकि इनकम साइड पे इतना ग्रोथ नहीं है जितना यू आर सीइंग द बम्प अप इन प्रॉफिट्स. सो और इसका मतलब यही है कि अगर हम ये उम्मीद करते हैं कि यहाँ से चीज़ें सुधरेंगी तो देन दे विल हैव द डबल बेनिफिट, कि एक लोअर क्रूड प्राइस का भी बेनिफिट रहेगा, कॉर्पोरेट टैक्स का भी बेनिफिट रहेगा, एंड द फैक्ट दैट देयर इनकम can actually, you know, they can actually sell more paint going ahead. So on all sides, I think paint companies के लिए एक positive environment बन रहा है. चलिए, paint companies के लिए एक आसान और बहुत बेहतरीन माहौल, और जो जो हमारे दर्शक 5-5 साल के बाद पेंट करवाते हैं अपने घर में या 7 साल के बाद पेंट करवाते हैं और जब वो बिल देखते हैं और दुखी होते हैं, तो वही दिन है जब आप बर्जर पेंट्स और एशियन पेंट्स का शेयर खरीदें. एक बहुत देसी आपको लॉजिक दूं इस बार का, क्या है, इतनी बारिश हुई है इस बार कि पेंट चाहे आप कैसा भी करा लीजिए, पेंट की गलती नहीं है, लेकिन सीलन सबके घर में आई है. इस बार इतनी प्रोलॉन्ग बारिश थी और इतनी घनी बारिश, तो मैं तो मुंबई का बता रहा हूँ, बाकी देश भर में छोड़िए, मुझे मतलब वहाँ भी हुई है और इस बार तो बाढ़ भी देखिए खूब आई थी. तो मैं ये कहता हूँ इसके बाद जो है जब ये सब बाढ़ खत्म हो जाती है तो फिर वापस से लोग रीपेंटिंग कराते हैं जी. तो वो लॉजिक रिप्लेसमेंट डिमांड रिप्लेसमेंट डिमांड जो रहती है वो बहुत ही गजब की रहती है. अच्छा, ये मैंने चैनल चेक भी किया था, आपको पता है एक दिन हम लोग शो कर रहे थे तो हमने पूछा था, जो हमारे साथ देखिए इस समय किरण जी मौजूद हैं, तो किरण जी ने भी इस बात को एक बार के लिए माना था कि पुणे में भी इतनी बारिश हुई है कि डैम्पनेस उनकी दीवार पर आ गई है. हेमंत जी, मेरे ख्याल से आपका पसंदीदा काउंटर है, बात कॉफी की हो रही है, CCL प्रोडक्ट्स दिखाइए, कॉन्टिनेंटल कॉफी लिमिटेड 200 DMA के ऊपर जबरदस्त ब्रेकआउट. किरण जी आप जुड़े हुए हैं, आप बताइए क्या करना है. एक सेकेंड लगेगा. जी हाँ, CCL प्रोडक्ट मैं आपको स्क्रीन पे दिखाता हूँ. लगातार उसका फुल फॉर्म बताया था, कॉन्टिनेंटल कॉफी लिमिटेड, 2 रुपए बढ़ चुका है. डायरेक्टर साहब जरा स्क्रीन पर दिखाइए, आपको बेहतरीन रैली आती हुई दिखेगी. ये देखिए 9 रुपए ऊपर ये स्टॉक है और अब आपके सामने जो हाई लग रहा है वो अक्टूबर 2015 का लग रहा है. बहुत समय बाद ये स्टॉक वापस अपने 200 DMA के ऊपर पहुंच चुका है. किरण जी अब बताइए आप 247-249 के टारगेट्स के लिए लॉन्ग पोजीशंस लेनी चाहिए. 232 का मेरा स्टॉप लॉस रहेगा. शानदार चार्ट पैटर्न है जो अच्छा बेस बनाया था 190 से लेकर 210 तक, उस कंसोलिडेशन का ब्रेकआउट मिल चुका है और ये टारगेट्स इजीली हासिल होते नजर आ जाने चाहिए. ये भी एक काउंटर है जहां पे बेचने की सलाह नहीं होगी, उधर एक बार रिव्यू लेना चाहिए. ये इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस है, ये एक बार निकल जाएगा तो 270 का नेक्स्ट टारगेट रहेगा. जी, चलिए, ये आपको CCL प्रोडक्ट्स पर राय मिल रही है और जैसा कि हेमंत जी अक्सर आपको बताते रहे हैं कि ये स्टॉक्स 1 या 2 दिन नहीं चलते, ये लंबी अवधि से चलते हैं. डायरेक्टर साहब जरा आप इसका चार्ट दिखाइए पिछले 14 दिन का, तो जो 5 दिन की रैली है वो शायद CNBC आवाज़ के सरमौर है और जो आपने इसमें ब्रेकआउट देखा था लगभग 195 रुपये से वो अब 240 तक पहुंचता हुआ, और शायद उस वक्त एक एडवाइस मिली थी कि 240 तक का आपको इसको टारगेट आता हुआ दिखेगा. ठीक बात है. तो CCL प्रोडक्ट्स देखिए भागता हुआ आपकी स्क्रीन पर. मैम आप इसे ट्रैक करती हैं क्या, कॉन्टिनेंटल कॉफी को? फॉर अ वेरी वेरी लॉन्ग टाइम. कैसा लगता है वो? अभी आपने कहा ना कि मुझे कॉफी अच्छी लगती है, सो दिस इज द स्टॉक आई आइडेंटिफाइड व्हेन इट वाज 40 रुपीस. अच्छा, क्या बात है. सो नाउ आई एम जस्ट हैप्पी सीइंग द प्राइस कि बस सब ठीक है यानी. तो देखिए बात सही है, और इस तरह के अच्छे स्टॉक्स आपने 40 रुपए पे आइडेंटिफाई किया था. मैं देख रहा हूँ इसका पी अभी 16 का ही है. अगर आप टाटा कॉफी ग्लोबल का पी देखेंगे तो आई एम श्योर वो आपको काफ़ी बड़ा नज़र आएगा. तो टाटा ग्लोबल बेवरेजेस जिसके देखिए अब नतीजे आएंगे वो है 68 के पी पर. yes. और अगर आप देखें उस हिसाब से ये स्टॉक अभी भी सस्ता लगता है, बहुत सस्ता लगता है. नहीं ऐसा नहीं है, बिकॉज टाटा ग्लोबल इज नाउ FMCG, डोंट मिक्स द टू. अभी टाटा ग्लोबल विल गो इनटू FMCG वैल्यूएशन, उसको आपको HUL उस तरह का ही वैल्यूएशन देना पड़ेगा. इसका पीयर कंपैरिजन बताइए, मैं आपको ग्रोइंग कंपनी, इसका पीयर कंपैरिजन बताइए, मैं इसको देखकर बताता हूँ कि ये कैसा लगता है. यहाँ लाइव रिसर्च होगी. अब यहाँ पर ये दूसरा खरबूजा ढूंढ रहे हैं. नहीं नहीं, मैं इसी खरबूजे भागेगा. देखिए CCL प्रोडक्ट्स मैं इसलिए मुझे ये शेयर पसंद है और इसके ऊपर हमने 3-4 दिन पहले भी देखिए बात की थी. क्या जबरदस्त रैली स्टॉक में देखने को मिली, ये अभी भी देखिए अब भागेगा. अच्छा, एक बात तो पक्का है, टाटा ग्लोबल बेवरेजेस में इतनी सेल है, वो इतनी दुकानें खोल रहे हैं तो कॉफी तो खरीदेंगे ना, बिना कॉफी के तो देखिए टाटा कॉफी कुड बी कंपेरेबल. टाटा कॉफी आप कह रही हैं कंपेरेबल है, तो टाटा कॉफी अगर आप देखें, तब तक मैं देखता हूं. लेकिन एक
टेक्निकल चार्ट्स पर राय ले लेते हैं। बताइए किरण जी, आपको कैसा लगता है, उसके बाद फिर अपने दूसरे एक्सपर्ट के पास भी चलेंगे। CCL products मैंने कहा कि ये मेरा पहला टारगेट रहेगा करीबन 250 का, अभी बाय करने चाहिए, 232-230 का स्टॉप लॉस रखना चाहिए। पहला पड़ाव रहेगा करीबन 250 के करीब, और ये इधर एक बार रिव्यू लेना चाहिए क्योंकि एक बहुत बड़ा रेजिस्टेंस है, और ये अगर निकलता है तो मेरा फिर सेकंड टारगेट करीबन 270 के देखने को मिल जाने चाहिए, ऐसा ये चार्ट पैटर्न हमें समझा रहा है। बिल्कुल सही है। तो ये CCL प्रोडक्ट्स देखिए भागता हुआ आपको नजर आ रहा है, 249 का टारगेट आपको हमारे एक्सपर्ट ने सुझाया है, और देखिए धीरे धीरे करके चल जी, वो दिखाइए वाला चार्ट वगैरह इसका किस तरह से देखिए बढ़ रहा है, वो आपका यंत्र लगाइए ताकि पता चले, जैसा हम सुबह दिखा रहे थे कि यहाँ पर किस तरह की रैली देखने को मिल रही है, क्योंकि देखिए ये वो एक दो दिन तक, तीन चार दिन तक लगातार देखिए बढ़ने वाले शेयर हैं, और ये वो स्टॉक है जो आपको इस समय स्क्रीन पर बढ़ता हुआ नजर आ सकता है। 1000 पॉइंट की तेजी देखिए सेंसेक्स में देखने को मिल रही है, और CCL प्रोडक्ट्स भी देखिए अब दिन के उच्चतम स्तर के आसपास कारोबार कर रहा है, MNG और 306 का इसका 52 वीक हाई है। तो मैं यही देख रहा था, देखिए सुबह आपने जब ये चार्ट दिखाए थे तो मुझे ये वाला लंबा चार्ट ज्यादा समझ में आता है, क्योंकि ये आपको बता रहा है कि आप कह रहे हैं 200 दिन के डेली मूविंग एवरेज के ये ऊपर निकल रहा है। बिल्कुल, और जो पिछले 5 दिन की जो रैली आपने देखी है हेमंत जी, वो सिर्फ और सिर्फ CNBC आवाज पर पकड़ी गई है, और इसमें एक खास बात ये भी है कि अगर आप मंथली चार्ट देखें तो ये देखिए कितना अच्छा एक आपको बाउंस बैक आता हुआ दिख रहा है। ये जो 100 मंथ की चार्ट है जहाँ से आपने इस स्टॉक को रैली करते हुए देखा है, तो ये कहानी है CCL प्रोडक्ट्स की, इस पर भी थोड़ी देर और चर्चा करेंगे। लेकिन फिलहाल जो आपको एक ब्रेकिंग न्यूज़ चलती हुई दिख रही है वो हमारी जो सिस्टर पब्लिकेशन है मनी कंट्रोल पर सोर्सेज द्वारा बताई जा रही है कि कुछ कॉर्पोरेट गवर्नेंस इश्यूज़ हैं जी एंटरटेनमेंट पर, जिनकी वजह से आप ये चीज़ फिलहाल आती हुई है। तरुण जी बहुत बेहतरीन रिपोर्टर हैं, वो हमारे साथ जुड़े हुए हैं, बहुत ही अच्छी तरीके से गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस को ट्रैक करते हैं, जैसे IT डिपार्टमेंट, सेबी, इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट एंड ऑल, और वहाँ से वो आपको ये बेहतरीन खबर बताते हैं। तरुण जी बताइए क्या है आपके पास आज? शैलेंद्र जी थैंक यू मेरी तारीफ़ करने के लिए, लेकिन जो इस समय जो मुश्किल के दौर में है वो है जी एंटरटेनमेंट, क्योंकि मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स ने अपनी प्रिलिमिनरी इंक्वायरी के बाद अब उसमें एक इंस्पेक्शन ऑर्डर कर दिया है, और ये एक सेकंड प्रोसेस होती है, और इन्वेस्टिगेशन से पहले की जो प्रोसेस होती है वो मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स ने ऑर्डर करी है, और ये इसलिए किया गया है क्योंकि हमने देखा था कि नवंबर के महीने में दो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स और एक नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर ने रिज़ाइन किया था, और कई एलिगेशंस कंपनी के ऊपर लगाए थे। उसके बाद मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स के जो वेस्टर्न रीजनल डायरेक्टर हैं उन्होंने एक प्रिलिमिनरी इंक्वायरी इनिशिएट की थी, और उस वो इंक्वायरी को उन्होंने हेडक्वार्टर भेजा, और उसके बाद मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स ने इसमें फर्दर इन्वेस्टिगेशन करने को कहा है। तो इस समय कंपनी के ऊपर इंस्पेक्शन ऑर्डर हुआ है, ये इंस्पेक्शन सेक्शन 206/5 में ये ऑर्डर किया गया, और इस हफ्ते में मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स के जो ऑफिसर्स हैं वो कंपनी के ऑफिस जाएंगे और एक फिजिकल इंस्पेक्शन भी कंपनी का करेंगे। तो इसके साथ साथ ये केवल एक ही एजेंसी नहीं है जो जी एंटरटेनमेंट पे इस समय इन्वेस्टिगेशन या इंस्पेक्शन कर रही है, दूसरी तरफ सेबी भी अपना काम कर रही है, क्योंकि इसमें कॉर्पोरेट गवर्नेंस के एलिगेशंस थे, तो सेबी भी अब इस पर अपनी जाँच कर रही है, और एक्सचेंजेस के द्वारा कंपनी पर यह जाँच करवाई जा रही है। तो तरुण जी आपने जी एंटरटेनमेंट को ज़रूर बताया होगा कि भाई इस तरीके की क्या जो इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट या IT की तरफ से फेरबदल हो रही है उनका क्या रिस्पांस है, उन्होंने क्या बताया आपको? बिल्कुल, हमने पिछले हफ्ते उनको ईमेल के जरिए उनको बताया था कि हम इस तरीके की स्टोरी करने जा रहे हैं, तो उनका साफ तौर से कहना था कि कंपनी के अंदर किसी भी तरीके की कॉर्पोरेट गवर्नेंस की खामियां नहीं है, और जो भी इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज या मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स जो भी हमसे पूछना चाहेंगी हम उनको सपोर्ट करेंगे। चलिए ये राय आपको मिल रही है जी एंटरटेन पर। तरुण जी ज़रा बने रहिए, एक बार चार्ट चेक करते हैं जी एंटरटेन पर। किरण जी द्वारा आपके सामने फिलहाल नवंबर की लोस के आसपास ये स्टॉक ट्रेड कर रहा है, और आज इसमें करीब 4% की गिरावट आने को दिख रही है। किरण जी आपकी राय जी एंटरटेनमेंट पर? देखिए 250 पे एक बहुत अच्छा सपोर्ट था, वो आज तोड़ दिया है, पिछले दो दिन के लोस थे वो, और
ऑप्शन बैरियर भी था, तो मेरा मानना है कि इसके ब्रेकडाउन होने के बाद एक थोड़ा सा वीकनेस और भी गहरा था नजर आ जाना चाहिए। नेक्स्ट सपोर्ट जो अभी देखने को मिलेगा वो है 234, वो टेस्ट हो सकता है कल तक, और 234 और फिर 221 ये लेवल्स है ये, ये जो टारगेट्स मान के चलने चाहिए। अगर शॉर्ट पोजीशंस किसी की भी है तो मेरा मानना है कि जो इम्पोर्टेंट रेजिस्टेंस है 252 का, तो उसके ऊपर आपका स्टॉप लॉस रहना चाहिए 254-255 लेवल्स के करीब। जी तो हमारे साथ श्रीकांत जी भी जुड़े हुए हैं। श्रीकांत जी, आपकी राय जी एंटरटेनमेंट पर। जी में देखिए, वैसे इसने प्रीवियस बॉटम जो बनाया था वो पैनिक बॉटम था तकरीबन 200-205 के करीब, और अभी ये जो एक फॉल आ रहा है उस फॉल में हमने ऑलमोस्ट 80% लॉस देखा है उसके बाद जो भी रैली हुई थी उसका। तो इसमें कभी कभी ऐसा भी हो जाता है कि हायर बॉटम भी बन जाता है, लेकिन करंट लेवल से नो डाउट वीक है, और अगर ये ज़्यादा वीक होता है तो मुझे लगता है कि 230-225 के करीब दिख सकता है, वहाँ पे मुझे लगता है कि थोड़ा इसमें स्टेबिलिटी आ सकता है, लेकिन करंट लेवल से इसमें वीकनेस है 230 तक के लिए। 230 के टारगेट के लिए आप जी एंटरटेनमेंट पर एक शॉर्ट कॉल ले सकते हैं। ये कोटक सिक्योरिटीज के श्रीकांत चौहान साहब की राय है, और इसी तरीके का एक टारगेट 235 का आपको किरण जी ने दिया। खबर ये है कि कुछ ऐसे कॉर्पोरेट डेवलपमेंट्स हैं जिनको जो भी हमारी गवर्नमेंट एजेंसीज हैं वो जी एंटरटेनमेंट पर तहकीकात कर रही हैं, और जी एंटरटेनमेंट की जो रिस्पांस है उन्होंने कहा है कि भाई हमारे यहाँ कोई इस तरीके की परेशानी नहीं है, और जो भी चेक्स होंगे वो हम अच्छी तरीके से सरकारी कंपनीज़ को उसका साथ देंगे। चलिए, ये खबर आई जी एंटरटेनमेंट पर। तरुण जी, हमेशा की तरह आपका बहुत बहुत शुक्रिया, एक से एक आप बेहतरीन खबर ला के रखते हैं, और अब आप टीवी पे ज़रा और आइए और हमारे दर्शकों को बताइए कि भाई किस तरीके से इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म होता है और उसका क्या आपको खामियाजा देखना पड़ता है स्क्रीन पर। हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, लेकिन एक ब्रेकआउट जो हमसे रह गया बताना और उसके लिए बहुत बहुत माफ़ी, वो है शिल्पा मेडिकेयर, जो सुबह एक बार हम लोगों ने मार्क किया था लेकिन वो ध्यान से निकल गया, और अब आपके सामने 364.40 का प्राइस, जो कि मेरे ख्याल से 4-5 महीने की हाई आपके सामने है। तो बहुत ही बढ़िया तेजी, अब ये भी सर्किट वाला कैंडिडेट है। 20% जब पता ही 16% पे चला है तो बताइए क्या चला जाएगा। अब दो आज एक सुबह बड़ी मजे वाली बात हुई थी कि एक शेयर 18% पे था, हमने पूछा तो बोले कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो 2% के लिए भी लेते हैं, तो ये 2% वाला तो पूरा हो जाने वाला। मेरे ख्याल से एक मौका किरण जी जरूर देंगे उन लोगों को कल के लिए अपनी राय बताने के लिए शिल्पा मेडिकेयर पर। और थोड़ी देर पहले हम लोग शर्मिला जी से बात कर रहे थे, ये स्टॉक उन्हें भी पसंद आता है, पहले कल के लिए राय ले लेते हैं और फिर शिल्पा जी बताएंगी कि उनको ये स्टॉक क्यों पसंद आता है। शर्मिला जी बताएंगी। I'm so sorry, शर्मिला। ठीक है, वो टंग ट्विस्टर। तो ये डिस्क्लोजर था, आपके पास अभी भी शेयर है? अच्छा नहीं, तो बताइए सर, पहले आप बताइए फिर मैम से भी पूछते हैं। अच्छा, मेरा टारगेट 414 का रहेगा, 464 के करीब ट्रेड कर रहा है, और मेरा इस ट्रेड के लिए स्टॉप लॉस रहेगा 345 का। जी चलिए, ये फिलहाल आपको राय दिखती हुई शिल्पा मेडिकेयर पर। जो मंथली चार्ट्स हैं हेमंत जी, अगर आपकी इजाज़त हो तो मैं वो स्क्रीन पे दिखाना चाहता हूँ शिल्पा मेडिकेयर की। और ये देखिए, अगर आपने कोई ब्रेकआउट ना देखा हो तो इसे ब्रेकआउट कहते हैं, जो कि फिलहाल आपके स्क्रीन पर प्रस्तुत है। मेरी तरफ से तो लग चुका है, पता नहीं क्यों स्क्रीन पे नहीं आया। आ गया, सामने आ गया। जी हाँ, ये देखिए डायरेक्टर साहब, जरा आप इसको और निकट से दिखाएंगे तो हमारे दर्शक समझ पाएंगे कि क्या ब्रेकआउट आया है और किस हिसाब से ये स्टॉक रैली किया है। और अगर 200-day DMA आपने ध्वस्त होती हुई देखी हो तो वो आज आपके सामने प्रस्तुत है। नीचे वॉल्यूम बार देखिए, लगभग 3.5 लाख शेयर ट्रेड हो चुके हैं, और आपके सामने 365 रुपये का प्राइस शिल्पा मेडिकेयर पर आता हुआ। मैं आपको और एक दो आंकड़े स्टॉक के बारे में तब तक दूंगा। और मैं ये बता देता हूं हेमंत आपको कि जैसे अर्जुन से कोई निशाना नहीं चूकता, वैसे शैल जी से कोई ब्रेकआउट नहीं चूकता। सही है। तो आज हम इन्हें पदवी दे रहे हैं ब्रेकआउट बाबा। ब्रेकआउट बाबा ब्रेकआउट बाबा। अगर आपको कोई भी
क्वेश्चनर हो तो ट्विटर पे आप हैशटैग ब्रेकआउट बाबा लगा दें और शेयर मैं इसको पूछ लें। मैं इसको आज खूब ट्रेंड कराऊंगा ब्रेकआउट बाबा ब्रेकआउट बाबा ब्रेकआउट बाबा मतलब ये नाम बढ़िया है इसका इसका आज शाम को हम लोग एक काम करेंगे शो कंप्लीट करने के बाद एक फोटो वोटो बनाएंगे और ब्रेकआउट बाबा को थोड़ा और जरा गर्म करेंगे डायरेक्टर साहब को बोली देते ऐसा कोई वाइब बना दीजिए डायरेक्टर साहब ये देखिए प्रियंका अगर हैं स्टूडियो में तो आप मतलब आप चिंता ही मत करिए देखिए ये ऊपर हैशटैग ब्रेकआउट बाबा और टैग कर दीजिए इसमें शैल भटनागर जी के ट्विटर हैंडल को तो ब्रेकआउट सारे पकड़ते आप हैं और एक बहुत बढ़िया आपके लिए सरप्राइज मैं सुबह 10 बजे वाले शो में रखने वाला हूं आप उसके लिए तैयार हो जाइए डर लग रहा है मैंने सर्किट गुरु बनाया देखिए उनको अपने राजेश तो मैं जनरली पीछे आराम से बैठ के स्टॉक्स वगैरह बताता रहता हूँ लोगों को कि भाई आप इसमें देखिए उसमें देखिए और अब मुझे लगता है मैं जरा लंबी अवधि के लिए फंस चुका हूं मैं आपको दर्शकों को कुछ और बातें बता देता हूँ ये आप बैठते हैं अपने टर्मिनल पे अपनी सीट पे तो टिकर टीम से कहते रहते हैं देखो भाई यहाँ ब्रेकआउट दिख रहा है हम लोग रोज सुनते हैं लेकिन ये आपने यतिन बहुत सही बोला ये इतने ब्रेकआउट पकड़ते हैं और सत्य है जब स्क्रीन पर नहीं होते तब भी ये पकड़ ही रहे होते हैं कुछ ब्रेकआउट्स को तो शिल्पा मेडिकल की नहीं नहीं 20% लग गया शिल्पा में 20% लग गया है सर तो ये ब्रेकआउट बाबा की पद्धति आपको अच्छी लगती है उसके बाद शिल्पा पे भी बताइए ये आपको नाम कैसा लगा यू आर इन थम्स अप है अब बताइए शिल्पा के बारे में So now, unfortunately, ये stock जो you know from the recommended price नीचे है because the entire pharma space is उस समय से काम नहीं कर रहा है but this is in the oncology space okay और यही रहता है दुर्भाग्य की जो क्योंकि वो oncology space में है there will always be sort of you know खराब time में भी हाँ मैं समझ रहा हूँ आपकी बात आप क्या कह रहे हैं you can't और उनको हाल ही में आई थिंक कुछ अप्रूवल्स मिले हैं विच इज वाई वी आर सीइंग दिस बाइंग बट अदरवाइज एक इट्स अ स्मॉल कैप कंपनी लेकिन बहुत सॉलिड कंपनी है ऑनकोलॉजी स्पेस वाओ तो ऑनकोलॉजी में बहुत सॉलिड कंपनी है और ये देखिए ये है प्रियंका का कमाल प्रियंका मेहरा हमारे इस शो की प्रोड्यूसर इससे स्पीड से काम मुझे नहीं समझ में आता किसी और चैनल में होता हो तो ब्रेकआउट बाबा देखिए हमने कहा ये हैशटैग हम ट्रेंड कराएंगे आ गया फोटो ठीक फोटो मैं अभी सुबह सही करूंगा इससे जल्दी कोई फोटो देखिए मिल नहीं सकता फोटो में हम चेंज करेंगे लेकिन एट द रेट शैल अंडरस्कोर भटनागर को आप लोग फॉलो करिए सारे ब्रेकआउट आपको वहां नजर आएंगे अगर स्क्रीन पर है तो स्क्रीन पर नजर आएंगे वरना ट्विटर पर भी नजर आएंगे तो अब मेरे ऊपर सवाल आ रहे हैं कि आप कौन सा सॉफ्टवेयर यूज करते हैं ये तो मैंने आपसे पहले ही पूछा था यकीन जानिए मैं सिर्फ और सिर्फ बीएससी और एनएससी की वेबसाइट पर बैठता हूँ और दिन भर वहीं से आपको एक से एक बढ़िया स्टॉक्स मिलते हैं ये जरूर है कि सुबह थोड़ी मेहनत करके आता हूँ तो वहां पर आपको बहुत अच्छी चीजें देखने मेरे को इसका जवाब पता है मैं इसका जवाब ट्विटर पर ही बताऊंगा चलिए 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 मेरे ख्याल से 3:15 हो गए हेमंत जी बाजार को रैप अप करते हैं किरण जी आपके लिए एक BTST या STBT कॉल कल के लिए देखिए BTST के लिए अभी जो नजर आ रहे हैं दो स्टॉक्स है एक तो है इक्विटास में मुझे लगता है कि थोड़े से और मूव आ जानी चाहिए 108 पे ट्रेड कर रहा है 106.50 रुपए का स्टॉप लॉस रहेगा 110 रुपए के टारगेट्स और दूसरा जो इम्पोर्टेंट काउंटर है वो भारती एयरटेल इसके नतीजे शायद आज आने वाले हैं पर मेरा मानना है कि ये काउंटर बहुत शानदार देखने मिल रहा है मेरा मानना है कि ये एक गैप अप ओपनिंग की तैयारी कर रहा है मेरा टारगेट रहेगा 235 कल के लिए और स्टॉप लॉस के लिए 515 का स्टॉप लॉस रखने की सलाह होगी चलिए बाय करके चलिए BTST कैंडिडेट आपके लिए इक्विटास प्रस्तुत है लगभग 4.25% ऊपर और किरण जी ये राय रख रहे हैं कि कल के सत्र में भी आपको एक अच्छा मूवमेंट आता हुआ दिखेगा यतिन जी हमारे स्टूडियो में हैं और वो एक से एक बेहतरीन ब्रोकरेज के साथ बात करते हैं डीलिंग रूम्स की जो चर्चा है वो सिर्फ और सिर्फ आपको CNBC आवाज पर मिलती है याद रखिए IRCTC का स्टॉक जब भी आप यतिन जी की शक्ल देखें और जो निकनेम अपना रख लीजिए IRCTC वो बात भी हो रही थी और आज यतिन जी ने एक फ्रेज बनाई है ऑफिस में न्यू इकोनॉमी स्टॉक्स जिसमें चार हमने चूज किए हैं एफएल इन्फो एज IRCTC और इंडिया मार्ट लेकिन आज आप बताइए ब्रोकरेजेस में आपने क्या तो शैल जी अगर आप IRCTC की भी बात करते हैं तो वेल्सपन कॉर्प हमने कल बताया था कि किस तरीके से अच्छा सेटअप हो रहा है आज 10% ऊपर है स्टॉक बेहतरीन नतीजे और 10 रुपये डिविडेंड तो बहुत ही बेहतरीन वहाँ प्रदर्शन रहा लेकिन आज की अगर डीलिंग रूम्स की बस की बात करें तो क्लियरली हीरो मोटोकॉर्प एक ऐसा शेयर है
जहां हमको बाइंग आते हुए दिखाई दे रही है। आज के वॉल्यूम भी करीब करीब 25% ज्यादा है वन वीक एवरेज से। इसके अलावा डीलिंग रूम्स का मानना यह है कि यहां बीटीएसटी स्ट्रेटजी करिए, ऑटो स्टॉक्स में अच्छी तेजी आई है और खास करके हीरो मोटोकॉर्प में, क्योंकि जो ग्रामीण क्षेत्र है जहां सरकार का बजट में फोकस था, तो ये जो रूरल इकोनॉमी में अगर बढ़ोतरी हुई और गवर्नमेंट की स्पेंडिंग हुई तो इसका सीधा फायदा होगा हीरो मोटोकॉर्प को। तो ये एक ऐसा शेयर है जहां डीलिंग रूम्स की राय है बाइंग की, और आज थोड़ी बहुत शॉर्ट कवरिंग हमको ऑटो स्टॉक्स में दिखी रही है, तो खास करके ध्यान दीजिए हीरो मोटोकॉर्प के कॉप पे बाइंग की तरफ। इसके अलावा सीईएससी कैलकाटा बेस्ड कंपनी और डीलिंग रूम्स का यहाँ भी अंदाजा है कि अच्छी खासी डोमेस्टिक म्यूचुअल फंड यहाँ बाइंग हो रही है। आज के सत्र में करीब 2.5% ऊपर था जब मैंने लास्ट चेक किया था इसको। तो डीलिंग रूम्स का मानना यह है कि वायदे में ये भी एक ऐसा स्टॉक है जो आप पोजिशनल ट्रेडिंग की तरफ खरीदारी कर सकते हैं। और आखिर में मिड कैप एंड ऑफ द मार्केट में बात चल रही है आदित्य बिरला कैपिटल की। ये स्टॉक अपने 200 मूविंग एवरेज के आसपास आके ट्रेड करना शुरू कर रहा है और 95 रुपीज़ के ऊपर यहाँ डीलिंग रूम्स का मानना ये है कि इसके ऊपर की क्लोजिंग एक अच्छा ब्रेकआउट दे सकती है। और ये एक ऐसी कंपनी है जिसके अंदर आदित्य बिरला म्यूचुअल फंड की हिस्सेदारी है, तो ये पेरेंट कंपनी है जो बहुत बड़ा हिंदुस्तान का म्यूचुअल फंड बिजनेस रन करती है। तो आदित्य बिरला कैपिटल एक ऐसा शेयर जहां डीलिंग रूम्स का मानना यह है कि शॉर्ट टू मीडियम टर्म के लिए निवेश करने की अच्छी अपॉर्चुनिटी मिलेगी। ओके, तो देखिए ये स्टॉक्स हैं जो डीलिंग रूम में सबसे ज्यादा चर्चित हैं। एबी कैपिटल, इसके ऊपर रखेंगे नजर। अब 94.55 का भाव है इस समय देखिए, और मोटा भाई बता रहे हैं कि यहाँ पर नजर रखनी चाहिए। बेस्ट स्टॉक मुझे हीरो मोटोकॉर्प लगा आपकी इस लिस्ट में से, और देखिए 4% की तेजी यहाँ पर देखने को मिल रही है। ऑटो सेक्टर, ऑटो एंसिलरी स्टॉक्स बढ़े हैं। आप देखिए कच्चे तेल की गिरावट का फायदा आप शैल जी ऑटो स्टॉक्स को भी पक्का मिलेगा। ऑटो एंसिलरी, ऑटो स्टॉक्स, ये सारे के सारे फोकस में पक्का रहने वाले हैं। इन तीनों में आपको क्या पसंद आता है मैम, ये बताइए। मीनिंग ये जो तीनों, आई वुड अग्री हीरो मोटर्स, बट आई वुड बी लिटिल सर्कमस्पेक्ट, क्योंकि मुझे लगता है कि ये जो BS6 नॉर्म्स है उसके पहले वो देखना पड़ेगा कि यू नो जो फायर सेल जैसे लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं उस तरह की कोई ये होती है कि नहीं, चीज़ होती है कि नहीं, क्योंकि डीलर्स के पास कितना अभी इन्वेंट्री बचा है वी डोंट नो, बट प्रॉबेबली टू व्हीलर्स आर बेटर प्लेस एज यू सेड, क्योंकि उनको रूरल इकोनॉमी जैसे रबी क्रॉप अभी अच्छा होगा ये एक अनुमान लगा रहे हैं, उसके साथ साथ लोअर क्रूड प्राइसेस है, तो उन दोनों चीज़ का एक डेफिनेट फॉलोआउट हम टू व्हीलर्स पर देख सकेंगे। So probably two wheelers over passenger vehicles. बिल्कुल। फिलहाल आपके सामने अदानी पोर्ट्स के नतीजे आते हुए दिख रहे हैं। कंसोलिडेटेड रेवेन्यू बढ़कर लगभग 3336 करोड़ रुपए हो चुका है, जो कि पोल के मुकाबले 3100 करोड़ था। तो बेहतरीन नतीजे आपको अदानी पोर्ट्स के आते हुए दिख रहे हैं। अगर आप इसमें प्रॉफिट देखें तो लगभग 1350 करोड़ का मुनाफा कंसोलिडेटेड प्रॉफिट आया है थर्ड क्वार्टर का, और ये नतीजे लगभग 1408 करोड़ के मुकाबले हैं जो कि पिछले क्वार्टर था। तो आय जरा घट के आई है और फिलहाल स्टॉक जो है वो 2% ऊपर चल रहा है। तो राय लेते हैं किरण जी, आपके सामने अदानी पोर्ट्स लगभग आपको 2% ऊपर दिखेगा, कल के सत्र के लिए कुछ करना चाहेंगे आप? नहीं, मुझे नहीं लगता कुछ करना चाहिए, कुछ खास चार्ट पैटर्न नहीं है और एक रेंज के अंदर ही है, तो ऐसे स्टॉक्स को अवॉइड कर लेना चाहिए। पर शेर जी, और एक BTST काउंटर मेरे बिल्कुल फरमाइए, वो है जिंदल स्टील एंड पावर। मुझे लगता है कि 183.50 पे ये बाय करके चलना चाहिए, 180.50 रुपए का आपका स्टॉप लॉस होना चाहिए और 189 के टारगेट्स आपको कल देखने को मिल जाने चाहिए। चलिए 189 का लक्ष्य JSPL पर, जबरदस्त आपको मेटल में वापस तेजी आती हुई दिख रही है। किरण जी ने एक कॉल मांगी गई थी, उन्होंने दो दी, एक JSPL और थोड़ी देर पहले उन्होंने एक और बाय कॉल दी थी, लेकिन अब बारी है श्रीकांत जी की। चौहान साहब बताइए कल के सत्र के लिए आप क्या करना चाहते हैं? वैसे ऑटो स्टॉक्स में काफ़ी अच्छी तेजी है और वहाँ पे मुझे लगता है कि टाटा मोटर्स एक ऐसा स्टॉक है कि जहाँ पे करेक्शन पूरा हो चुका है। 165 के करीब ये ट्रेड कर रहा है और 175 से लेकर 177 के लेवल्स को भी ये छू सकता है। मंथली वीकली चार्ट्स पे तो ऑलरेडी इसमें डाइवर्जेंस आ चुका है, वॉल्यूम ओपन इंटरेस्ट अगर आप चेक करेंगे तो वो काफ़ी इंटैक्ट है, तो करंट लेवल से इसे बाय करें। स्टॉप लॉस काफ़ी नज़दीक के हैं, 164 के स्टॉप लॉस के साथ इसे बाय करें
और 175 के टारगेट्स के लिए। बिल्कुल, तो देखिए टाटा मोटर ये वो स्टॉक है जो पसंद आ रहा है श्रीकांत जी को, अच्छी तेजी देखने को मिल सकती है। इक्विटास और जेएसपीएल हमारे एक्सपर्ट कह रहे हैं कि खरीदारी करनी चाहिए, वैसे तो आप फंडामेंटल एक्सपर्ट है लेकिन इतने बढ़िया बाजार में मैम कोई अच्छा स्टॉक बताइए जो आपको चाहिए कि खरीद कर रख लेना है। एक बात तो पक्की है, जो लोग डर रहे थे बजट से, देखिए वो अब आप दो दिन के बाजार को देख कर तो कम से कम नहीं डरेंगे। कुछ लोग आज सुबह सुबह भी डर रहे थे ये देख कर कि एफ आई एस की जी सेल की पोजिशन से, लेकिन भाव भगवान है। देखिए अब हम वापस से बजट के लेवल के ऊपर निकल गए हैं और आज का हमारा सवाल ट्विटर हैंडल पर हमने सबसे पूछा कि क्या हम पोस्ट बजट रैली देखेंगे, तो देखिए ज़्यादातर लोग अब मान रहे हैं कि हाँ हम देख सकते हैं। ये बताइए कोई एक दो अच्छे फंडामेंटल स्टॉक्स जो लोगों को खरीदने शुरू करने चाहिए, जिन्होंने आज खरीदे अच्छा है, नहीं खरीदे तो क्या खरीदेंगे? एक कंटिन्यू टू लाइक आईटी, मुझे लगता है कि एचसीएल टेक बहुत बढ़िया स्टॉक है, नतीजे बहुत अच्छे थे, उसके साथ साथ वैल्यूएशन के हिसाब से भी बहुत बढ़िया लग रहा है। और मुझे लगता है कि ये जो हम सब चीज़ें बात कर रहे हैं, एट सम पॉइंट इन टाइम एक वैल्यूएशन यू नो विल बी अ हर्डल, क्योंकि जिस तरह से चीज़ें हो रही है, लेकिन आईटी स्पेस आई थिंक उससे थोड़ा एक यू नो इट इज़ प्रोटेक्टेड फ्रॉम दैट, तो मुझे एचसीएल टेक काफ़ी पसंद है। चलिए ये राय आपको मिली शर्मिला जी द्वारा, और वो बात पूरी नहीं हुई थी शिल्पा मेडिकेयर वाली, या हो गई थी? नहीं बची हुई है ना, आपको क्यों पसंद आता है वो स्टॉक? नो दैट आई सेड बिकॉज़ ऑफ द ऑन्कोलॉजी स्पेस। अच्छा चलिए, तो जो उनका सब सेगमेंट ऑन्कोलॉजी का है, किडनी की दवाइयाँ और कैंसर की दवाइयाँ जो शिल्पा मेडिकेयर बनाते हैं वो आपको बहुत पसंद है, फिलहाल 20% सर्किट पर टिका हुआ। जी सर, आप 20% का सर्किट बहुत ही बढ़िया सर्किट है। मैं तो एक बार शैल जी ये देख रहा हूँ, डाउ फ्यूचर है 318 पॉइंट ऊपर है। अच्छा जी, तो आप ये देखिए अब क्योंकि मार्केट बंद होने वाला है, 5 मिनट बचे हैं, 318 पॉइंट की तेजी डाउ फ्यूचर्स में। बिल्कुल हेमंत जी, और उसकी तेजी आपको बाजार में फिलहाल दिख रही है बर्जर पेंट्स और बीपीसीएल पर। किरण जी दोनों आपके लिए, 7 मिनट बचे हैं, बताइए क्या कीजिएगा, बर्जर पेंट्स नतीजों से पहले और बीपीसीएल दिन का हाई? बर्जर पेंट्स तो बाय करके ही चलना चाहिए, एशियन पेंट्स तो मैंने फरवरी का एक बड़ा टारगेट दे चुका हूँ। मेरा मानना है ये भी एक काउंटर है जो कि इजीली 600 की लेवल्स क्रॉस करता नजर आ जाना चाहिए। अंडरकरंट काफी स्ट्रांग है, पिछले करीबन 3 हफ्ते का कंसोलिडेशन का आज ब्रेकआउट देखने में मिल रहा है, बहुत अच्छे डेरिवेटिव डेटा पॉइंट्स है। और दूसरा कौन सा? बीपीसीएल था। चलिए ये राय आपको मिली बर्जर पेंट्स पर नतीजों से पहले, जो कि आपको सुमित जी ने बिल्कुल दिलासा दिलाया है कि बहुत बेहतरीन तरीके से आएंगे। ऑलरेडी स्टॉक जो है वो ब्लू स्काई टेरिटरी यानी रिकॉर्ड हाइस के आसपास ट्रेड कर रहा है, बेहतरीन आपने इसमें 533 रुपये से जो ब्रेकआउट देखा था वो नतीजों से पहले आपको फिलहाल लगभग 60 रुपये ऑलरेडी दे चुका है, नतीजों की उम्मीद बहुत बेहतरीन है तो इस पर ध्यान रखिए। और देखते हैं कहां कहां आपको तेजी आती हुई दिख रही है, 3:25 हो चुके हैं और अब आपको तेजी दिख रही है। लास्ट स्टॉक अगर हम डिस्कस करेंगे वो है बजाज फिनसर्व, और उसके बाद आज जो समापन समारोह है वो हेमंत जी करेंगे। आपके लिए 506 रुपये ऊपर किरण जी बजाज फिनसर्व, बहुत ही अच्छा चार्ट पैटर्न है, एक अच्छे करेक्शन के बाद आज दिन भर चला, 2 घंटे के लिए थोड़ा सा कंसोलिडेट हुआ और वापस एक बार अप मूव दे रहा है। मेरा मानना है कि वापस ये 9,900 की तैयारी हो रही है, लॉन्ग पोजीशंस रखने चाहिए, आपका स्टॉप लॉस 9,500 के नीचे होना चाहिए। 9,500 का जो ऑप्शन बैरियर था वो उसने अच्छे वॉल्यूम से क्रॉस किया है, तो मेरा मानना है कि इसके ये टूटना नहीं चाहिए, इसका स्टॉप लॉस होना चाहिए और जैसे ऊपर जाता है आपको ट्रेल करने की सलाह होगी। आउट आपके सामने होता हुआ दिख रहा है बजाज फिनसर्व पर, बहुत कम कि इतना बड़ा स्टॉक 5% वापस तेजी आपको दिखाएगा, और आप इससे ही समझ सकते हैं कि बुल्स की कमान बिल्कुल मजबूत है और वो वापस ड्राइविंग सीट पर जुड़े हुए हैं। हेमंत जी कसरत कर रहे हैं और वो आपको समापन समारोह शुरू करेंगे मंगल का आपके साथ। बिल्कुल, तो मंगलवार का दिन मंगल में रहा बाजार के लिए, आप कह सकते हैं क्या गजब की रैली देखने को मिली। देखिए शुरुआत पॉजिटिव क्यूज के साथ हुई, ग्लोबल मार्केट्स ने बहुत ही बढ़िया प्रदर्शन दिखाया और देखिए सेंसेक्स और निफ्टी जो है वो बहुत ही शानदार प्रदर्शन दिखाकर आज बंद होने की तैयारी कर रहे हैं। कल हम 12,000 का स्तर भी देखेंगे निफ्टी पर, और सेंसेक्स भी देखिए करीब करीब 900 पॉइंट से ज़्यादा का उछाल देने में सक्षम रहा। बैंक निफ्टी ये है 700 पॉइंट ऊपर, आप देखिए क्या शानदार रैली इसमें देखने को मिली। तो 1,000 पॉइंट हम गिरे थे जरूर शनिवार को, सैटरडे को, अब समझ में आ रहा है वो खरीदारी का
बहुत ही बढ़िया मौका था, क्योंकि अगर आपने उस समय खरीदा, देखिए बाजार तो आज किस तरह के आप भाव पर बैठे हैं। तो गिरावट जो है देखिए वो पूरी हो चुकी है, पूरी तरह से देखिए हम उसको पचा चुके हैं, बजट की जो मायूसी है वो हमारे सामने से हट चुकी है और अब हम फोकस कर रहे हैं दरअसल RBI की पॉलिसी पर। लेकिन दिखाते हैं कुछ स्टॉक्स जिन्होंने आज सबसे अच्छा प्रदर्शन दिखाया। B2 की बात करेंगे हम, H2 की बात करेंगे। बजाज फिनसर्व देखिए अभी शैल जी भी आपको बता रहे थे 5% की तेजी दिखा रहा है, बजाज फाइनेंस में भी ऐसी तेजी देखने को मिली है। जो अच्छा प्रदर्शन दिखा रहा है पॉकेट वो है जिसको कच्चे तेल की गिरावट से फायदा होता है। ऑयल मार्केटिंग कंपनियां देखिए IOC 5.5% ऊपर, टाइटन ने दमदार नतीजे पेश किए, 7.5% की तेजी देखिए ये स्टॉक दिखा रहा है। और मेटल्स में भी एक बाउंस बैक देखने को मिल रहा है, क्योंकि आप देख रहे हैं कि बहुत ही शानदार प्रदर्शन ग्लोबल मार्केट से देखने को मिल रहा है। इंडिया ग्लाइकॉल ये वो स्टॉक था जो मैंने आपको सुबह सुबह स्टॉक 2020 में सुझाया था, 10% की रैली इसने दिखाई। GMM फॉडलर्स में हम पिछले 3 दिनों से और बल्कि बजट के दिन भी हमने कहा था कि ये वो स्टॉक है जिसको आपको खरीद लेना चाहिए, 6% की रैली देखिए आज देखने को मिल रही है, 2 दिन ये पहले चल चुका है। और IRCTC 14% की मजबूती, ऑल टाइम हाईज देखिए लगातार लगा रहा है और ये हाथ में ही नहीं आ रहा, ये ट्रेन बहुत फास्ट भाग रही है और देखिए सब लोगों को दरअसल पीछे छोड़ रही है। अच्छी तेजी देखने को मिल रही है श्रीराम ट्रांसपोर्ट फाइनेंस में, ये वो स्टॉक है जो आज सुबह सुबह भी कहा गया था कि अच्छे नतीजे के बाद आपको खरीदना चाहिए। तो व्हाट अ डे शैल जी, इससे बढ़िया दिन हो नहीं सकता। बजट अब लोग भूल चुके हैं और देखिए लोग सोच रहे हैं कि अब अर्निंग्स कहां पर अच्छी आ रही हैं, लोग ये सोच रहे हैं कि अब नई तेजी कहां करनी चाहिए। दर्जनों मिड कैप स्टॉक्स हैं जहां शैल जी क्या गजब की रैली आज के सत्र में देखने को मिली है, तो इससे फैंटास्टिक दिन हो नहीं सकता। शिल्पा मेडिकेयर 20% का देखिए सर्किट लगा और ये स्टॉक हम थोड़ी देर पहले आपको बता रहे थे। बोरोसिल ग्लास, इससे हमने दरअसल अपने शो की शुरुआत करी, आखिरी सौदा की और कहा ये स्टॉक खरीद लीजिए अभी के अभी, इसने भी देखिए 20% की इंट्राडे में अपर सर्किट लगाया, उसके बाद 17% जाकर बंद हुआ है, कल फिर से हम इसे रिविजिट करेंगे। SML 10 के दमदार ट्रेड में ओपनर स्टॉक था और कहा था इस पर रखिएगा नजर, तो कल जरूर देखिएगा 10 के दमदार ट्रेड्स, कल भी इसी तरह के ब्रेकआउट्स हम आपको बताएंगे। 20% का अपर सर्किट यहां नजर आया और इन्फो एज में भी 5.5% की तेजी देखने को मिली है आज के सत्र में। एक सेक्टर जो आउट परफॉर्मिंग सेक्टर कह सकते हैं वो था दरअसल टायर का सेक्टर, MRF। हम आपसे कह रहे थे कि ये स्टॉक के ऊपर आपकी नजर होनी चाहिए, खरीद लिएगा यहां पर हर गिरावट में, क्योंकि आज नहीं तो कल ये शेयर देखिए 75,000 और आगे चलकर 1,00,000 का स्तर भी आपको दिखाएगा। तो ये वो स्टॉक है जो भाग रहा था। जेके टायर शर्मिला को पसंद था। बालकृष्ण इंडस्ट्रीज देखिए किरण कह रहे थे कि इसको खरीदिए। सीएट सुबह से सारे एक्सपर्ट्स कह रहे थे कि उनको ये अच्छा लग रहा है, क्योंकि टायर सेक्टर के लिए अच्छी खबर ये है कि कच्चा तेल जो है वो नीचे आ गया। ऐसा नहीं कि गिरने वाले स्टॉक्स नहीं थे, पुराने जो गिरने वाले स्टॉक्स हैं उसमें यस बैंक हमेशा से रहा है, देखिए आज भी आगे था। जी एंटरटेनमेंट में जो moneycontrol.com की एक्सक्लूसिव खबर हमने आपको बताई, 5.5% नीचे जाकर ये शेयर समाप्त हुआ। और बजाज ऑटो के लिए भी जो एक्सक्लूसिव खबर CNBC आवाज ने आपको दी थी कि विदेश में चिंता हो रही है देखिए इनके लिए, तो ये वो गिरने वाले स्टॉक्स हैं जो हमने सही पकड़े। तो तेजी वाले शेयर भी सही पकड़े गए थे और जो गिरने वाले स्टॉक्स हैं वो भी बिल्कुल ठीक पकड़े गए थे। तो आज सारे जो स्क्रिप्ट है शैल जी, जो जो हम लोगों ने बनाई थी, बिल्कुल उसी हिसाब से देखिए बाजार ने परफॉर्म किया है। और आपका एक नया नाम आज के दिन ब्रेकआउट गुरु, वो भी बाजार ने रजिस्टर कर लिया है। तो बताइए कहाँ कौन से स्टॉक थे जहाँ पर ब्रेकआउट आपने देखा? इसकी चर्चा चाय की चर्चा के बाद करेंगे लेकिन आप देखिए, एक जो बजट के बाद मायूसी थी वो बाजार से बिल्कुल गुम हो चुकी है, और जो आपने मंगलवार को मंगल देखा है बाजार में उसका मैं आपको कुछ बताता हूँ। FNO में 2.3% ऊपर आपको आज निफ्टी फ्यूचर्स बंद होते हुए दिखे हैं, 11,966 के आसपास, 263 अंक बढ़कर दिन के उच्चतम लेवल के आसपास आपको ये रैली आज खत्म होती हुई दिखी है। ये आप उम्मीद कीजिए कि कल के सत्र में भी आपको बहुत अच्छी बाइंग आती हुई दिख रही है। बुल्स की कमान क्यों इतनी मजबूत है? सिर्फ और सिर्फ FNO का डेटा देखिए, 22 ऐसे फ्यूचर्स हैं जो न जाने क्यों लाल निशान में आज बंद हुए, समझ में नहीं आया, लेकिन 122-150 में से आज बहुत बेहतरीन तरीके से आपको तेजी में बंद होते हुए दिख रहे हैं। तो बुल्स वापस ड्राइविंग सीट पर आ चुके हैं और यही आंकड़ा आपको बैंक निफ्टी में BSE और NSE के एडवांस डिक्लाइन रेशियो में आता हुआ दिखेगा। देखते हैं कहां कहां आपको बिल्डअप दिखा
लॉन्ग पोजिशंस का। ज़्यादातर ये वो स्टॉक्स हैं जो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, लेकिन फिलहाल आपके सामने टाइटन पर नज़र डालिए। ये स्टॉक लगभग 7% ऊपर बंद हुआ है और ओपन इंटरेस्ट इसमें 14% बढ़ा है। नतीजे शानदार थे और आपने 1271 का प्राइस देखा। श्रीराम ट्रांसपोर्ट फाइनेंस के बारे में सुबह से चर्चा हो रही है, 13% ऊपर श्रीराम ट्रांसपोर्ट फाइनेंस, 7% की तेज़ी आपने इस स्टॉक में आती हुई देखी। मदसन सुमी ऑटो एंसिलरी ऑटो और क्वाजी ऑटो स्पेस FMCG में, माफ़ कीजिए NBFC स्पेस में आपको बहुत अच्छी तेज़ी आती हुई दिखेगी। मदसन सुमी आपके सामने 3.5% की ओपन इंटरेस्ट लेता हुआ दिख रहा है। इसी तरीके से आप ICICI प्रू देखिए, यहाँ पर भी आपको बहुत अच्छा बिल्डअप आता हुआ दिखेगा प्राइस में, और शॉर्ट कवरिंग यहाँ पर बहुत अच्छी तरीके से होती हुई। बिल्डअप ऑफ शॉर्ट पोजीशंस कहाँ है? मन्नापुरम फाइनेंस में, क्योंकि एक जो इनके दिग्गज इन्वेस्टर हैं उन्होंने एक स्टेक बेचा है, तो ये शायद एक मौका होगा एक बहुत बेहतरीन गोल्ड फाइनेंस कंपनी को अपने पोर्टफोलियो में ऐड करने का। कल इस पर चर्चा करेंगे, लेकिन आज 6% नीचे 173.35 पर, इसका रिकॉर्ड 17 लगभग 190 रुपये के ऊपर है, तो इसमें एक अच्छा करेक्शन आता हुआ और ये आपके रडार पर होनी चाहिए एज अ पोर्टफोलियो पिक। इसी तरीके से बायोकॉन में 4% की गिरावट, 1% ओपन इंटरेस्ट बढ़ा, माफ़ कीजिए 24% ओपन इंटरेस्ट बढ़ा हुआ है। और जी एंटरटेनमेंट, जिस पे थोड़ी देर पहले एक एक्सक्लूसिव खबर आपने CNBC आवाज़ पर देखी, फिलहाल 5% ऊपर ओपन इंटरेस्ट और 5% प्राइस डाउन। हेमंत जी, बहुत ही शानदार दिन देखिए आज का रहा है और ये दिन बुल्स के नाम रहा है, और देखिए वॉल्यूम्स के साथ खरीदारी हुई है, तो अच्छी खासी तेजी